हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ की हमारी एक्सरसाइज 7.2 तक हो चुकी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमारे पास दो ट्रायंगल दी हुई है, एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल इट मींस टू साइड्स आर इक्वल ऑन द सेम बेस बीसी, और दोनों का बेस क्या है बीसी, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, और वर्टिसेस ए और डी है वो दोनों क्या है सेम साइड पे ऑन द बीसी। बीसी के सेम साइड में है वर्टिसेस डी और ए। इफ ए डी एक्सटेंड, अगर ए डी को हम एक्सटेंड कर देते टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, तो वो बीसी को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पॉइंट पी पर। प्रूव दैट, प्रूव करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी, पैरेललोग्राम है ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी पैरेललोग्राम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, देखते हैं कैसे। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी हो गया ए सी डी। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, क्यों, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, टू साइड्स आर इक्वल। अब और क्या है, बी डी है इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल थी, इसके भी दोनों साइड क्या है इक्वल, और ए डी दोनों में क्या आ गया कॉमन। अब तीन चीज़ हमारी गिव आ गई इक्वल, तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी, साइड 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 से, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है साइड 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 से। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ए सी पी, ये प्रूव करेंगे ए बी पी ए सी पी। अब इनको प्रूव करेंगे, एक तो हमारे पास गिवन क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमारे पास गिवन है। दूसरा क्या है एंगल बी ए पी, बी ए पी यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अब ये इसके बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड कर रखा है एंगल को, तो हम क्या बोल देंगे कि एंगल ए बी बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, दोनों एंगल इक्वल हो गए, और क्या है ए पी दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, तो हम क्या बोल देंगे ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी पी। थर्ड है हमारे पास ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो ए पी दे रखा है आपको वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी, उसके साथ साथ किसको भी, एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी हमारे पास क्या है कॉन्ग्रेंट, ये जो ट्रायंगल है ये इसके कॉन्ग्रेंट है, फर्स्ट पार्ट में किया था हमने। अब आगे क्या आ जाएगा ए डी बी, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा ए डी बी इक्वल हो जाएगा ए डी सी के, इसके क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा बाई सी पी सी टी, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे बाई सी पी सी टी इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 180, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए डी बी और ए डी सी, दोनों को अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे, बहुत साइड से 180 में से माइनस कर दिया ए डी बी, इधर 180 में से माइनस कर देंगे ए डी सी। अब 180 का अगर एंगल बनेगा तो पूरा का पूरा ये एंगल बनेगा, इसमें से हमने माइनस किसको कर दिया ए डी बी को माइनस कर दिया, तो बनेगा बचेगा कौन आपके पास ये एंगल बचेगा, इसका नाम आपके पास क्या है बी ए पी, इसको हम क्या बोल देंगे बी ए पी, क्योंकि 180 में से अगर हमने माइनस कर दिया तो ये एंगल बचेगा और ये बचेगा, तो हम इसको पूरे को लेके चल पड़ेंगे, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, कि ये दोनों भी क्या है कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बाई सी पी सी टी, तो हम क्या बोल देंगे ए पी बाई सेक्ट, ए पी है वो बाई सेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी दोनों को बाई सेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ 180 यहाँ भी 180 बनेगा, तो ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो गए तो ये इसको हाफ में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो आपको दिया हुआ है ए पी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि बी पी इज इक्वल टू पी सी, कि ये दोनों क्या है इक्वल पार्ट्स में है, और यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू सी ए आ जाएगा आपके पास, बी ए इज इक्वल टू सी ए, क्योंकि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। दूसरा हमारे पास क्या है बी पी ए,
एंगल क्या है बी पी ए और इधर क्या है सी पी ए, ये दोनों यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी दोनों में क्या होगा इक्वल बनेगा, क्योंकि ये साइड है ये दोनों साइड इसके इक्वल हैं, तो ये दोनों हमारे पास इसके अगर इसके कॉमन दे इसके देखते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा इसके इक्वल, ये आ जाएगा अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो ये एंगल इसके और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्या बोल देंगे एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी ए। अब हमारे पास एंगल बी पी ए बी पी ए इन दोनों अगर एंगल्स का सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 180 के, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे एंगल है, इसलिए क्या बोल देंगे एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो सी पी ए की जगह भी हम क्या लिख देंगे बी पी ए, टू टाइम्स हो जाएगा टू टाइम्स एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्या बोल देंगे कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन ए बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन क्या है ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी, ए डी हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड है किसका एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी का, जिसके ए बी इज इक्वल टू ए सी है, शो दैट ए डी बाइसेक्टर बी सी, अब ए डी है वो बाइसेक्ट करता है किसको बी सी को, सेम वही है हमारे पास जो हमने पीछे किया है इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या है हमारे पास इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स में एक तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्यों क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या बोल देंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और ए डी दोनों में क्या आ गया कॉमन, अब हमारे पास क्या बोल देंगे ट्रायंगल ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है कैसे आर एच एस ए राइट हैंडेड साइड, राइट हैंड साइड से अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या बोल देंगे कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो क्या बोल देंगे कि ये भी दोनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी आर एच एस कॉन्ग्रेंट से, हमने क्या बोल दिया बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, क्योंकि एक आइसो हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाई सी पी सी टी उनके अदर पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ए डी है वो बाइसेक्ट करता है किसको बी सी को, हाफ हाफ में हो गया तो बाइसेक्ट कर दिया। इसका सेकंड पार्ट क्या है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए डी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, वही चीज़ है हमारे पास बी ए डी, अब देखो अगर हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो ये दोनों में बी ए डी किसके इक्वल होगा सी ए डी के, ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, हैंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये आपके पास क्या था बाई सी पी सी टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, दो साइड आपको दे रखी हैं ए बी और बी सी एंड मीडियन ए एम, और ए एम हमारे पास मीडियन है ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी का ए बी और बी सी हमारे पास दो साइड्स दे रखी हैं और मीडियन उनका क्या दे रखा है ए बी, एंड रिस्पेक्टिवली इक्वल टू इक्वल है किसके पी क्यू एंड क्यू आर, ए बी है वो किसके इक्वल है पी क्यू के और बी सी है वो किसके इक्वल है क्यू आर के इक्वल है, एंड पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और जो ए एम है वो किसके है मीडियन के इक्वल पी एन के इक्वल, शो दैट ए बी एम, ये आपको जो ट्रायंगल दी हुई है ये कॉन्ग्रेंट है पी क्यू एन इसके कॉन्ग्रेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, इन दोनों को प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रेंट है तो कैसे प्रूव करेंगे देखो इन ट्रायंगल ए बी एम हमने ट्रायंगल ले ली ए बी एम, इधर क्या है पी क्यू एन बी एम, अब हमारे पास क्या है जो बी एम है वो किसके इक्वल है क्यू एन के इक्वल है, क्योंकि दोनों में मीडियन है तो हमारे पास क्या बोल देंगे बी एम है वो किसके इक्वल है क्यू एन के, क्यों क्योंकि बी सी है वो किसके इक्वल है क्यू आर के, देन बी एम है वो भी किसके इक्वल है क्यू एन के इक्वल है, जब मीडियन इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, अब इसका हमने हाफ कर दिया बी एम को हम क्या लिख सकते हैं बी सी का हाफ लिख सकते हैं, मीडियन है ना हमारे पास मीडियन है तो हाफ में डिवाइड कर रखा है इसने, तो बी सी है उसको हमने क्या बोल दिया कि बी सी का हाफ लिख सकते हैं हम बी एम को, बी एम को मैंने क्या लिख दिया 1/2 बी सी, क्यू एन को क्या लिख देंगे 1/2 क्यू आर, और 1/2 बी सी है वो हमारे पास किसके इक्वल है
वन बाई टू बी सी, ये हमारे पास गिवन रख लेंगे ऐसे का ऐसे। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ए बी है वो गिवन है किसके, पी क्यू के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए एम है मीडियन, वो किसके इक्वल है, पी एन के, दोनों गिवन है। और एक हमने इक्वल प्रूव कर दिया है कि वन बाई टू बी सी है वो किसके, वन बाई टू क्यू आर के इक्वल है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन, तीनों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, साइड 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 कॉन्ग्रेंट है। तो क्या बोल देंगे, ए बी एम, ए बी एम यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके, पी क्यू एन, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे किससे, बाई सी पी सी टी। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर गिवन में हमारे पास दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू आर के, ये भी आपके पास गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। दो चीज़ हमारे पास गिवन थी, एक हमने अभी प्रूव की थी, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है कैसे, साइड एंगल साइड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट क्या है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। बी ई ये आपके पास क्या है, बी ई एंड सी एफ दो हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है, इक्वल है दोनों, ये एल्टीट्यूड है ये इसके इक्वल है। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंट रूल, आर एच एस कॉन्ग्रेंट रूल से प्रूव करेंगे हम ट्रायंगल्स ए बी सी इज आइसोसेल्स, कि जो ए बी सी आपको ट्रायंगल दी हुई है वो कैसी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो बी ई हमारे पास क्या है, जो बी ई है और सी एफ दोनों क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन हम क्या बोल देंगे, बी ई सी और इधर क्या है, सी एफ बी, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल बी ई बी, इन ट्रायंगल अब हमारे पास क्या है, बी देखो एक तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, सी एफ बी, सी एफ बी एक ट्रायंगल तो आपके पास क्या बनी, सी एफ बी, ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास। दूसरी हमारे पास ट्रायंगल क्या बनेगी, बी ई सी, यहाँ क्या आएगा, बी ई सी, दो ट्रायंगल आ गई, दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हाइपरटेन्यूज बी सी, बी सी हमारे पास क्या है, हाइपरटेन्यूज है दोनों से, या फिर कॉमन वो हाइपरटेन्यूज की बजाय हम, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, ये क्या हो गया, बेस, बेस के सामने कौन हो, इनके सामने कौन होता है, हाइपरटेन्यूज। इसी तरह यहाँ अगर 90 डिग्री है तो इसके भी सामने कौन होगा, हाइपरटेन्यूज, इसीलिए बी सी हमारे पास क्या, दोनों का हाइपरटेन्यूज, और दोनों का कॉमन है, हाइपरटेन्यूज बी सी इज इक्वल टू हाइपरटेन्यूज बी सी, दोनों में क्या है, कॉमन। और क्या है हमारे पास, साइड बी ई, हमारे पास बी ई जो साइड है वो किसके इक्वल है, सी एफ के, क्योंकि दोनों एल्टीट्यूड क्या दे रखे है, इक्वल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन, दोनों चीज़ हमारे पास इक्वल हो गई, और किससे कर रखा है, 90 डिग्री से, इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी एफ बी बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंट से, आर एच एस कॉन्ग्रेंट से हमारे पास क्या हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। एंगल बी सी ई एंड एंगल सी बी एफ, बी सी ई, बी सी ई यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, सी ई सी बी एफ के, यहाँ ये दोनों जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो सी के सामने साइड कौन है, ए बी साइड है, और बी के सामने कौन है, ए सी साइड है, तो हमारे पास ये भी इक्वल हो जाएंगे। इससे हमने क्या निकाल लिया कि एंगल बी है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के, एंगल सी के सामने साइड कौन सी है, ए बी, और बी के सामने साइड कौन सी है, ए सी। अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल है, तो क्या बोल देंगे, साइड सपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, और अगर हमारे पास दो साइड इक्वल हो गई तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल कैसी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसलिए हमने क्या बोल दिया, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए बी सी हमें क्या दे रखी है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखी है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो ए पी हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर टू, शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमारे पास गिवन है कि ये दो साइड्स इक्वल हैं और ए पी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो हम क्या कर देंगे, दो ट्रायंगल्स लेके दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल ए बी पी, देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऐसे फिगर बनी हुई है आपके पास, और ये क्या है कि ए पी, ए बी सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी, आइसोसेल्स ट्रायंगल की ये दो साइड से इक्वल हैं, ये है आपके पास है। अब हम प्रूव कर देंगे क्या, ट्रायंगल ए बी पी,
ABP और ट्रायंगल ACP दोनों को प्रूव करेंगे। कैसे? AB है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, गिवन है। कैसे है? क्योंकि दो अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमारे पास क्या होती है? टू साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या बोल देंगे? AB इज इक्वल टू AC। दूसरा हमारे पास क्या है? APB और APC दोनों यहाँ भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या बोल देंगे? नीचे 90। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू AP। AB हमारे पास इक्वल था किसके? सॉरी AB नहीं आएगा बट यहाँ आएगा AP। AP इज इक्वल टू AP क्योंकि दोनों में क्या है? ये कॉमन। इसको हम क्या लिख देंगे? कॉमन। और हम क्या बोल देंगे? ट्रायंगल ABP है वो ट्रायंगल ACP के कॉन्ग्रेंट है बाई RHS। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या बोल देंगे? एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा बाई CPCT। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3। ओके, थैंक यू।